बाटा कोई कोई फूल ले आते हैं तो दिख रहा है वहाँ पे बिरयानी चढ़ाया गया है पता बोलिस ना तो गाइस हैप्पी बर्थडे है मैं बुड्ढी हो रही हूँ इसलिए स्पीक कर दो बाय गेट लॉस्ट ठीक हो क्या बोल रहा है देखते इसे बुक Hi guys, good morning and again welcome back to my channel Silent Tips by Pooja. This is me, your Pooja and welcome back to another exciting vlog. So जी हाँ आप लोगों ने already title पर क्या thumbnail देख के समझ गए होंगे कि आज है मेरा birthday और आज की जो birthday vlog है वो मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ. तो अभी बज रहा है फिलहाल 12 और आज ही हम लोग गैंगटॉक से वापस आए. आपको ये vlog देखने में देखते देखते थोड़ा सा लेट ही होगा पर ठीक है देर आए दुरुस्त आए. अभी मैं जा रही हूँ नहा धो के थोड़ी सी मार्केट क्योंकि कुछ सामान लाना होगा एंड उसके बाद मैं आप लोगों को और भी कुछ दिखाती हूँ. उससे पहले आप मॉर्निंग की कुछ क्लिप्स देख लो जो कि बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था मम्मी ने कैप्चर किया था. फाइनली मैं उनसे ले कर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. सो प्लीज़ एंजॉय दिस वन एंड देन वी विल कंटिन्यू द ब्लॉग. कथा बोलिस ना स्किन हम सब लोगों को ही पसंद होती है बट बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनकी क्लियर स्किन है. कभी कभार ना जिनके भी स्किन बहुत ही ज़्यादा एक्ने प्रोन होते हैं तो एक्ने वगैरह आती है जब वो चले जाते हैं उसका एक मार्क छो जाते हैं. तो इसकी वजह से जब स्किन में बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ जाए तो वो दिखने में भी ख़राब लगती है. कहीं ना कहीं पर जाके हम लोग जो हमारी कॉन्फिडेंस है उसे लूज़ करने लगते हैं. लेकिन अब टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के लाई हूँ एक अमेजिंग सा सल्यूशन विच इज़ डॉक्टर शेड्स केसर एंड कोजिक डेली पिगमेंटेशन करेक्शन क्रीम. इट हैज़ 2% कोजिक एसिड विच लाइटन्स पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने स्कार्स बाय हेल्पिंग रिपेयरिंग डैमेज्ड स्किन सेल्स. ऑल्सो इट हैज़ 1% नियासिनमाइड एंड 0.5% ग्लाइकोलिक एसिड विच कॉम्बैट्स एक्ने मार्क्स एंड अपियरेंस ऑफ ब्लेमिशेस. गाइज इट हैज़ अ वेरी deeply nourishing creamy texture which blends perfectly into the skin giving a non-sticky finish. और इसे यूज़ करना तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है. बस जब भी आप आपकी फेस को क्लींस कर रहे हो उसके बाद इसकी एक कॉइन साइज अमाउंट लो एंड पूरी फेस एंड नेक पे अच्छी तरीके से अप्लाई करो. जब अच्छी तरीके से स्किन इसे एब्सॉर्ब कर ले उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर के साथ लेयर अप कर सकते हो एंड दैट्स इट. सो दिस इज माई एब्सोल्यूट गो टू सोल्यूशन फॉर पिगमेंटेड स्किन. तो मैं इसकी लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई करना. एंड गाइस जहां बात हो रही है डॉक्टर शेड की सो दे हैव 90 इयर्स ऑफ डर्मट एक्सपर्टाइज. दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टेड बाय डर्मेट्स. तो आप आग बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो. ऑल्सो गाइज अगर आप यूज करते हो मेरी कोड विच इज पूजा 20 तो आपको मिलेगा एडिशनल 20% ऑफ डॉक्टर शेड की वेबसाइट में. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लेना और आप लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है मुझे आप वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तो अभी बस घर पे आई और एक चीज़ हुआ. मैं एक्चुअली में गई थी केक भी लेने. माँ ने कहा था कि आप अगर जा ही रहे हो उस साइड पे तो एक साथ ही लेते आना. लाइक वाई नॉट आपका भी थोड़ा सा काम कम जाएगा. तो मैंने केक की दुकान पे जब मैं गई ना तो वो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. तो मानी दी भी आ रहे हैं तो मैंने उनसे कहा कि आप उसको लेके आ जाओ. तो मैं पापड़ वगैरह लेके आ गई. अभी जाऊँगी थोड़ा सा पूजा वूजा देना है फिर उसके बाद खाना खाने बैठेंगे. और बॉबी फिलहाल शायद सो रहा है तो मम्मी को चलो पहले ये सभी चीज़ें देते हैं. नो से हाय मवाटा कोई कोई छोटा मवाटा नानू बहुत प्यारा है. एंड यहाँ पे चल रही है धूमधाम से तैयारी खाने की. क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम. चिकन तो
दिख रहा है वहाँ पे बिरयानी चढ़ाया गया है और क्या क्या है पता नहीं। ये लो आपका पापड़ और मानी भी केक ला रहे हैं। आ गए है पापा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, पापा ने 50 रुपए दे दिया हैप्पी बर्थडे करके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने अभी तक किसी को भी नमस्कार नहीं किया क्योंकि मुझे पूजा देना है पहले। तो चलो फटफट सब कुछ काम खत्म करते हैं, देन आप लोगों से मिलती हूँ। सो पूजा वगैरह अभी अभी बस खत्म करके आ चुकी हूँ और अभी खाना खाने वाले हैं हम लोग। 3 बज चुका है, मम्मी को थोड़ा सा टाइम लगा, इतना सब कुछ काम भी है तो टाइम तो लगता ही है। वॉट एवर, तो मैं अभी इस ड्रेस को थोड़ा सा चेंज कर लूँगी। एंड माँ ने मुझे मॉर्निंग में आज गिफ्ट किया है ये वाली ड्रेस जो कि काफ़ी प्रिटी है, इतनी के मैं बस रेडी ही हो रही थी। एंड ये ड्रेस कुछ ऐसा लग रहा है दिखने में, बहुत प्रिटी है। मैं इस तरीके की इतनी वेयर नहीं पहनती हूँ लेकिन अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ हुआ, दीदू बस आए कुछ ही सेकंड पहले, बस हम लोग बात कर रहे थे तो दीदू के पेट से, मतलब दीदू के घर में ना बहुत सारे चारे हैं तो दीदू हर बार मेरे लिए मम्मी के लिए फूल ले आते हैं, तो इस बार भी ले आए। इस बार मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं लगाऊँ तो थोड़ा सा बस मेकअप करती हूँ। मेकअप क्या मतलब, काजल, थोड़ा सा लिप ग्लॉस, थोड़ी सी इयर रिंग्स वगैरह पहन लेती हूँ एंड देन बैठते हैं हम लोग खाने में एंड देखते हैं फाइनली खाने में बना क्या है। तो मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी एंड एक बार आप लोगों को पूरी की पूरी आउटफिट में दिखा दे रही हूँ। तुम नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड मैंने माँ को जो फूल भी लगाया जिसके बारे में बता रही थी। और एक बात, यहाँ पे कोई आया है जिनको मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। बाबा की औषुकी मानुष बोलते हाय, पैसा दीजिए बोलते टाइटल में, हाय पैसा दीजिए बोलते। देखे चीज आज के फेसबुक पे ज्यादा लिखे थी पैसा दीजिए मां के बोलते छे। हम आपसे बोल बोल माने की हिंदी ते हिमानी दी यहां पे आ चुकी है, दीदू आ चुकी है। अभी हम लोग जाएंगे नीचे खाना खाने एंड आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी कि आज खाने में क्या बनी है। पूरा जास्ता हट दीदू, এটা খুব কষ্ট নিয়েছে ওই জন্য দিদি চাই চলে যেতে তুই যাস। পালং পনির, চানা মশলা, কুলচা। কুলচাটা ঠিক জুতের হয়নি আজকে, মানে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে উলট পালট হয়ে গেছে। আর এখানে রয়েছে 5 রকমের মিষ্টি, চাটনি পাপড়, বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি। আর একটা কথা এখানে বলবো আমি, ভাতের সাথে তো বেগুন ভাজা আমরা বাঙালিরা যেরকমই দিই, পটল ভাজা, আলু ভাজা এগুলো দিই, কিন্তু যেহেতু বিরিয়ানি খাচ্ছে তো ওই রকম পটল ভাজা আলু ভাজা তো যায় না, তবুও মাছ ভাজাটা দিয়ে ফেলেছি তো ই আর কি। इधर इधर पे চিকেন है और পায়েশ भी है जो हमारा बंगाली का ट्रेडिशन है, रिचुअल है। और हमारे घर में एक चीज होता है, मैंने आप लोगों से बहुत पहले भी एक बार कहा था कि हमारे घर पे क्या होता है वो चांदी, चांदी कटोरी में वो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है आज तक समझ में नहीं आया। होता है कि है। थैंक यू। 3 hours later. तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, बच्चों को मैंने कर दिया है रेडी और ये दोनों अभी ये सब कर रहे हैं। मतलब जब इनका जन्मदिन आता है तब इनकी कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, जिस दिन किसी दूसरे का काम होता है तब इनका एक्टिविटी नजर आता है। तभी ये इससे कह रहा है कि मेरा वो बड़ा है, ये इससे कह रहा है कि मेरा वो बड़ा है। यहाँ पे पापा आ चुके, पापा एक बार हाय बोल दो सबको। हाय। हाँ मम्मी वहाँ पे, मम्मी पता है आज मतलब बनारसी पहनी है क्योंकि मैं बुढ़ी हो रही हूँ इसलिए। तो ये साड़ी बहुत पहले लिया गया था, मम्मी ने इसको पहना। अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं केक कटिंग। ए अपोदा तुम लोग बोलते हैं। सबसे दुख की बात है ये साड़ी जो है ना, हाँ अच्छा था लेकिन काट दिया पोका ने, छोटा छोटा पोका ने काट दिया। हम किसी की शादी अटेंड करने वाले हैं, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बॉबी भी आ चुका है, ये भी रेडी है, मानी जी भी रेडी है।
तो सब लोग आएंगे, हम लोग करने वाले केक कटिंग। जो दीदा नीचे है, दोनों के दोनों ही सीरियल देख रहे हैं। ये दोनों आ चुके हैं, इन लोगों को बहुत खुशी हो रही है, किस बात की खुशी पता नहीं लेकिन हो रही है। तो चलो फाइनली करते हैं केक कटिंग, देन इस ब्लॉग को एंड करते हैं। व्हाट अप ननी, की चाय बाबा? मम्मा टा की चाय कोई बाबा? तो बांदोस तो की चाय की दिए বলে তুমি যখন ফুপু খেয়ে আসো আমাকে জিজ্ঞেস কর। এই 26 বছর আগে যখন আমরা ঠাকুর দিয়ে কোলে কোলে ঠাকুর দিতে যেতাম না, আমাকে কোলে কোলে ঠাকুর দিতে তোমার মতন জ্যোতিষ দেব না কত শালা। ব্ল্যাক ফরেস্ট টু গাইভ, ব্ল্যাক ফরেস্ট টু গাইভ তোর মুই আমার গ্রিপ তুই ছড়াও উসকো। ওই তো লাভের মাঝখানে লাভের মাঝখানে দিয়ে দাও, বলতে দিদি ভাই কে এটা আমার এটা বেশি ভালো। গুড 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 বাহ। আমি দিদুর কষ্ট হচ্ছে রে, দিদুকে বসতে দাও, কপি পারে একটু ছড়াও, ওটা ছড়িয়ে দাও। মা এখনো সিরিয়াল দেখছে দিদু? তো अभी मैं उसको सरप्राइज दूंगा। कैमरा के पीछे है मानी दी, जो भी अभी जो कि अभी ब्लर है, तो चलो उसको पुकारते हैं। रुको अब लोग
रहा है। तो गाइस आज के ब्लॉग में और कुछ शेयर करने लायक है नहीं, अभी दीदू घर चले जाएंगे, दीदा सो जाएंगे, पापा या मम्मी के लेग पुल कर रहे हैं। तो आज की जो ब्लॉग है वो फिलहाल मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का ये जो ब्लॉग था वो पसंद आया होगा। ऑल्दो ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत छोटा हुआ, बट स्टिल अभी जितना कर सकती थी मैंने किया, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सका। सो अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। ए सबाई एक बार बाय बोल दो। बाय से बाय गाइस बोल दो। स्पीक कर दो। बाय। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। दीदा बोलो। बाय। ओरे बाबा। काकी मां। मेनी जी। কি কো কেমন লাগছে দেখতে এসে বুক।